beautiful weather. So hello guys, assalamu alaikum and welcome back to the new vlog. अभी मैं आई हूँ अली के साथ विंजर. As you guys can see, ये मेन विंजर है. वैसे मैं इस कहीं पता नहीं किधर आ गई हूँ. बैक साइड पे मुझे जाना बूट्स. मैंने मेरी अपॉइंटमेंट थी आज मॉर्निंग की. एक तो कसम से ये लोग मॉर्निंग की अपॉइंटमेंट्स देते हैं. हाय भाई, कैन यू प्लीज हेल्प मी, व्हेयर इज द बूट्स ऑप्टिशियन? बूट्स ऑप्टिशियन, बूट्स, बूट्स ऑप्टिशियन. या राइट, ओके, थैंक यू. एक्चुअली आई केम फॉर फर्स्ट टाइम, सो आई डोंट नो. टुडे इज माय अपॉइंटमेंट फॉर आई साइड. ओह, फर्स्ट टाइम यू बीन इन विंडसर? या. Yes, they're very useful, aren't they? I use mine in, if I go to London, I use it to find streets. Yeah. It's very useful. Oh, wow. That's a nice big one. Is that iPhone? No, it's a Samsung Galaxy. Oh, your Samsung, yeah. S22. Yeah, it's a lovely picture, isn't it? So, it's down here. Yeah. Lovely place. I can point you. It's a main area of Windsor, I think so. Yeah, yeah. Shouldn't be too. Wow. Beautiful. Thank you. Okay. Thank you. Welcome. Take care. You're welcome. आप देख सकते हैं कि कितना प्यारा यहाँ का सीन है. द मेन विंडसर. हम अभी हैं और अभी हम आए हैं बूट्स पे. मेरी यहाँ पे अपॉइंटमेंट है तो अंदर चलते हैं. पहले मैं अपनी आई साइड वगैरह चेक करवा लूँ, उसके बाद आपको यहाँ पे बाहर विज़िट करवाऊँगी. सो सी यू. ये अंदर आ गई हूँ मैं बूट्स के. बेसिकली ये एक जो है ना, कह लें कॉस्मेटिक्स, फार्मेसी, एवरीथिंग है. अभी हम चलेंगे आई साइड के डिपार्टमेंट में, वहाँ पर जाके देखते हैं कि क्या सीन है. सो मिल ही जाए मुझे. लवली, बहुत स्वीट. हमें एक प्यारी सी ओल्ड एज मिली थी आंटी. ओए यार, ये तो बहुत बड़ा है, किधर जाऊँ? चलो मैं पहले ना देख लूँ, फिर आपसे मिलती हूँ. तो अभी मैंने अपनी आई साइड चेक करवाई है और मैं अभी यहाँ पर विंडसर में घूम रही हूँ. सो ब्यूटीफुल, बहुत प्यारा एरिया. ये भी हम दोबारा उसी गली में आ गए हैं. बहुत प्यारा एरिया. पता लग रहा है कि लंदन है, लंदन. तो मैंने अपनी आई साइड चेक करवा ली है. ओह, वही आंटी जा रही है जिन्होंने मुझे तो छोड़ा था. तो अभी मैं जा रही हूँ भाभी के पास. बहुत प्यारा एरिया, बहुत प्यारा, नो डाउट. हेलो आंटी जी, थैंक्स, आपने मुझे दूर छोड़ा था, मुझे आइडिया नहीं था. दुआएं सुनो. वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल वेदर. अभी चलते हैं हम अपनी गाड़ी में.
अस्सलाम वालेकुम। आई और आज हमारे घर माशाल्लाह गेस्ट की आमद शुरू हो रही है। हैर से है ना मम्मी, यजदान का बर्थडे बहुत मज़े का आने वाला है इंशाल्लाह। तो आप मेरे व्लॉग देखिएगा। अभी नज़र चेक करवाई है मैंने और भाभी अपनी नज़रें बंद करके यहाँ पे वेट कर रही थी। अभी हम घर जाएंगे, बहुत सारे काम हैं। अभी मैं आई हूँ अपने रूम में। एज यू गाइस कैन सी कितना ज़्यादा गर्म हो रहा है मेरे रूम में। अभी स्कूल का हम कवर चेंज कर लेंगे, वाइट ही मैं इस पर करूँगी। और ये मैंने अपनी बेडशीट के लिए किया है, ज़रा ये डार्क ग्रे ब्लूइश सा है। मेरे रूम में वैसे मैंने सारा ग्रे थीम किया हुआ है। मेरा बेड भी ग्रे है और इसका वॉल, उसके बाद कर्टन ब्लाइंड ये भी ग्रे कलर की है। तो खैर अभी करते हैं अच्छे से सफाई, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। हमारे घर आ रहे हैं आज गेस्ट, यजदान का बर्थडे ऐसे शुरू हो रहा है माशाल्लाह उसका फंक्शन, तो हम कर रहे हैं। चलो फिर मिलते हैं। ये देखें ऑलमोस्ट मैंने अपना रूम नीट कर ही लिया है। ये इस पर भी मैंने न्यू कवर और पिलो पे वाइट, ये ना थोड़ा बेडशीट का कलर डार्क आ गया ब्लू है, लेकिन अच्छी हो रहा है। इस यहाँ से सीधे वगैरह उठाना, इसमें इतना मसाजर वो गन है जिससे मैं पाँव अपने वो करती हूँ जब ड्यूटी से आके थक जाती हूँ। ये देखें, और ये तो मेरी ज़रूरत की चीज़ें, मेडिसिन वगैरह जो मुझे ज़रूरत होती है। अच्छा कबर्ड भी मैंने अंदर से सारी सेट कर दी। ये मेरी हील है जो मैंने न्यू ली है फंक्शन के लिए। खैर दीदी से वैक्यूम कर लेते हैं तो आपसे मिलते हैं। और ये देखें माशाल्लाह मिरर लग गया है, भाई ने लगा के दिया है, बहुत प्यारा लग रहा है। अभी मैंने अपने रूम की सेटिंग करनी है प्रॉपर, इस पर मिरर की जो साइड लाइट्स होती हैं वो लगानी है और वॉल हैंगिंग। और उसके अलावा ये जो मेरी ये चीज़ें रखी हुई है ना मेडिसन्स हैं, क्योंकि मुझे डेली बेस पे यूज़ करनी पड़ती है ना कुछ, मैं दिखा ही देती हूँ, आप सोचें पता नहीं क्या है। ये जस्ट पैनाडोल वगैरह, वो दूसरी पैनाडोल है। और ये ना पेन जब मुझे होता है तो ये क्रीम लगा के, ठीक है। तो मतलब इस तरह की मेरी चीज़ें हैं जो मैं मतलब मैंने डेली इनको यूज़ करना होता है, तो ये मैं नहीं रख सकती। ये मैंने इस दिन आप वॉच वगैरह ये है, फिर कभी दिखाऊंगी, बंद कर देते हैं। सो सीन ऐसा है कि रूम नेट करने के बाद इतना ज़्यादा काम था आज घर पे, बहुत ढेरों ढेर वो सारा किया। और इस टाइम रात के जो है ना 2 बज रहे हैं। मैं अगर यहाँ, मेरे पास क्लॉक नहीं है रूम में वरना दिखाती है। जो आई सेट चेक करवाई, उसके बाद आई, घर के काम ये वो, बस बहुत बिजी दिन गया। और हमारे गेस्ट अभी आ रहे हैं और इस टाइम 2:15 हो रहे हैं रात के। इंशाल्लाह इंशाल्लाह हैर से वो आ जाएंगे, भाई भाभी उनको लेने गए हैं। तो आपसे फिर मेरी मुलाकात होती है। मैं अपना व्लॉग यहाँ पे इसलिए एंड कर रही हूँ क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा, कल का दिन और बहुत बिज़ी जाना है, बड़ा मज़ेदार। तो इंशाल्लाह फिर होती है बात। सारा मैंने अपना व्लॉग जो ना इधर ही एंड कर दिया है। मैंने अभी अपना रूम पूरा ऑर्गेनाइज करूँगी सेट, फिर आपको दिखाऊँगी। मिलते हैं कल कल के व्लॉग में। अभी कल गेस्ट आ रहे हैं, मेरी हाला की बेटी भी आ रही है, वो आई हुई है UK। बाकी भाभी के सारे रिलेटिव वगैरह आ रहे हैं यजदान के बर्थडे के लिए। कल सैटरडे है, कल वो आ रहे हैं और संडे को इंशाल्लाह बर्थडे है। सो मिलते हैं फिर आपको कल। अपना ख्याल रखिएगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माई YouTube चैनल एंड इफ़ यू लाइक देन प्लीज़ लाइक my video and share as well if you want. See you once again in next vlog. Tab tak ke liye Allah Hafiz.